is Sandeep Singh Khiji. I'm the founder and CEO and plus designer at the Balams. जो Balams हमारा जो menswear brand है, जिससे आप follow करते हैं, देखते हैं और काफी appreciate भी करते हैं. So as you know, recently we did a lot of posts on Instagram and we are also posting reels on Instagram. So keep following us and keep liking us. And if you want anything from us, then please DM us, do message on Instagram. क्योंकि हमने हमारा जो पूरा business है वो पहले website पे था. So website को manage करना बहुत ही difficult होता था. इसीलिए हम लोगों ने Instagram के ऊपर सब कुछ cover कर रखा है. वहाँ पे आपको latest जो हम जो design करते हैं वो photos, वो videos, वो reels, मेरी reels, सारी की सारी Instagram पे आ जाएगी. तो आप ये सब उसमें देख सकते हैं और हमें डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं. वहाँ पे मैं खुद आपको पर्सनली जो आपको स्टाइल चाहिए, जैसा आपको चाहिए, वो सब मैं आपको पर्सनली आपको मैसेज करके और सब कुछ बता दूंगा. जैसा कि आप देख रहे हैं, सो हम लोगों ने अभी लेटेस्ट कलेक्शन डिजाइन किया है. सो दिस इज कट्यूर कलेक्शन. कट्यूर कलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज है वो आपके मेजरमेंट की और आपके हिसाब से वो पूरी की पूरी चीज बनेगी. और जो मेड टू मेजर जो चीजें होती है, उसी को ही हाई क्वालिटी के अंदर कोई अगर बनाता है तो उसे कट्यूर कलेक्शन कहता है. तो हम ओनली एंड ओनली हाई क्वालिटी में ही डील करते हैं और जो भी है फैब्रिक्स हमारे सारे लग्जरी फैब्रिक्स होते हैं. सो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा. आप जब स्टोर आएंगे या जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करेंगे, कुछ मंगवाएंगे, तब आपको इस चीज के बारे में ध्यान पड़ेगा. मैं आपको आज इस कुर्ते के बारे में बताना चाहता हूँ. इसकी जो जर्नी है वो ऐसे डिसाइड हुई थी. सबसे पहले जो फैब्रिक है जो स्काई ब्लू कलर का, क्योंकि अभी जैसे गर्मी चल रही है तो गर्मी के लिए मुझे लाइट कलर का फैब्रिक चाहिए था और बहुत ही लाइट कलर का, मतलब लाइट वेट फैब्रिक चाहिए था जो क्लाइंट की जो बॉडी है उस पर मतलब चुभे नहीं और उस पर बिल्कुल ही कंफर्टेबली वो उसे पूरे दिन आराम से उसे पहन सके. ब्लैक वाला जो कुर्ता मैंने आपको बताया था, उसके अंदर जो है सेम लेवल का कंफर्ट इसके अंदर ही है. बस इसके अंदर जो फैब्रिक है वो बहुत ही लाइट वेट है और आपको मतलब फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ पहना है. सो मैं आपको डीपली अगर इसके बारे में कुछ बताऊं तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे फोर बटन्स वाला जो कुर्ता है वो बनाया है. बेसिकली फाइव बटन्स का भी बनता है, सिक्स बटन्स का भी बनता है. उसमें जो गैप है वो कम हो जाता है. सो जैसी नीड होती है वैसा हो जाता है. सो ये जो फैब्रिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे जब अपन टच करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट फील होगा. जैसे आप देख रहे हैं, इसे अगर मैं छोड़ूंगा तो भी अपनी पूरी जो जगह है वो बना लेगा. सो यही एक अच्छे फैब्रिक की जो है पहचान होती है, जो मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे डेमोन्स्ट्रेट करके मैंने आपको बताया. और ये जो है यहाँ पे हमने जिगजैग लाइंस के अंदर एम्ब्रॉयडरी करवाई है. जो एम्ब्रॉयडरी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीपल लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा वो होता है कि यार हैवी एम्ब्रॉयडरी, हैवी एम्ब्रॉयडरी लाइट भी होती है. माय डियर फ्रेंड्स, जो एम्ब्रॉयडरी जैसे ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही लाइट एम्ब्रॉयडरी है. ये वर्क का पूरा काम, बट बहुत ही लाइट वर्क है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाइट. सो शेरवानी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा वर्क होता है. सो इसके अंदर हमने बहुत ही लाइट वर्क किया है ताकि मतलब ये चीज पूरी अच्छी लगे और जो कपड़ा है इसके अंदर पूरा जस्टिस हो. तो काफी लोग ऐसे भी करते हैं, पूरा उसको भर देते हैं. सो हमने इस फैब्रिक के अकॉर्डिंग जैसा रिक्वायरमेंट था वैसा काम किया है. सो ये फैब्रिक भी बन चुका है, कुर्ता भी बन चुका है. इसके अंदर आप जैसे डार्क कलर का कोई भी चूड़ीदार आप पहन सकते हैं, नहीं तो मेरा सजेशन तो यही है, आप जो व्हाइट कलर का जो चूड़ीदार है प्योर लिनन के अंदर अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही इसके नीचे अच्छा लगेगा. और उसके नीचे आप जूतियां भी पहन सकते हैं और जो फॉर्मल जो शूज है वो भी आप, फॉर्मल शूज मतलब जो विदाउट लेसेस के जो लोफर्स आते हैं वो भी आप पहन सकते हैं. सो शूज से मुझे याद आया, अगर शूज के बारे में भी आपको कुछ अगर जानकारी चाहिए, कुछ आपको मतलब लगता है कि आपको नीड है कि शूज कैसे पहने, क्या पहने, तो वो भी आप मुझे बताइएगा. क्योंकि मेरा खुद का शूज एंड वॉचेस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है फैब्रिक्स के बाद, मतलब जो डिजाइनिंग फॉर क्लोथ्स के बाद में. सो यही है फील्ड, ही यही है हम लोगों की, तो यही चीज के बारे में इंटरेस्ट है तभी ये फील्ड है. सो यही है. सो आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से, तो मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. और हमारे 60 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, सो थैंक यू सब्सक्राइबर्स फॉर दिस. सो आगे भी आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसी ही जो जर्नी है वो हम करते रहेंगे और सारी की सारी जो डीपली जो मेरा पैशन है Balams के अंदर उसे मैं आगे बढ़ाता रहूंगा. सो आपके सामने इंस्टाग्राम आईडी भी आ रही है, हमारा जो ये द Balams का जो अकाउंट है, द Balams की जो हमारी ब्रांड है इसका इंस्टाग्राम आईडी है, इसे प्लीज आप फॉलो करिएगा. यहाँ पे मैं ज्यादा एक्टिव हूँ यूट्यूब से. और जो मेरी खुद की ही जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैंने अभी रिसेंटली ही बनाई है. सो उसे भी आप प्लीज फॉलो करिएगा, संदीप सिंह जी 12 मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. और वैसे तो बताना नहीं चाहता था, तो वैसे सरप्राइज था आपके लिए. मैंने अपना अलग एक चैनल बनाया है यूट्यूब पे सेम संदीप सिंह खींची के नाम से, वहाँ पे आपको मेरी फोटो भी दिख जाएगी, तो उसे भी प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा. वहाँ पे मैं डेली जो व्लॉग्स है ये सब डालता रहता हूँ. सो व्लॉग्स अभी लॉकडाउन में मैंने काफी देखे हैं, तो मैंने देखा है कि व्लॉग्स
के थ्रू मतलब काफी लोग उसे देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. सो जो उनके अंदर जो लाइफ है पर्सन की, वो सब उसमें दिखती है. तो वैसे के वैसे ही मैंने व्लॉग्स की जर्नी स्टार्ट करी है संदीप सिंह खींची के नाम से ही. तो उसमें मैं कुछ घर के व्लॉग्स ले लेता हूँ, मेरा जो छोटा सा पपी है, क्यूट लिटिल पपी जो शिट्सू है, उसे घुमाने जाता हूँ, तो उसमें वीडियो बना लेता हूँ. तो यही मतलब जो डेली लाइफ जो चलती है, ताकि आप मुझे अंदर से भी जान पाएं, और बाहर से तो जैसे आप बालम्स के थ्रू मुझे आप जानते ही हैं, संदीप सिंह खींची मेरा नाम है और मेरा काम है द बालम्स मेंसवेयर को डिज़ाइन करना और यही सारी चीज़ें. सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाय.